स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया भाई कि अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी वी नॉट एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना है वी नॉट स्पीड के साथ, और एंगल इसका होना चाहिए हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा। तो ये कुछ इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा चेंज इन वेलोसिटी बताओ प्रोजेक्टाइल का कितना होगा व्हेन इट स्ट्राइक्स द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जब ये यहाँ से फेंका गया और वापस जब इसी प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन में टकराएगा तब इसका चेंज इन वेलोसिटी बताना है। तो इसका जो सबसे आसान तरीका होगा वो ये होगा कि आप यहाँ पर लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा भी लिख सकते हैं और चेंज इन टाइम को डेल्टा टी या टी लिख सकते हैं। सो डेल्टा वी हमें निकालना था चेंज इन वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा ए इंटू टी। देखो ए का वैल्यू तो होता है ग्रेविटी, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो नीचे की तरफ होता है जिसको जी बोलते हैं। सो जी, और टाइम होता है पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2u sin θ बाई जी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यहाँ रख देंगे, 2u का वैल्यू वी नॉट और थीटा की जगह यहाँ अल्फा है बाई जी। तो ये जी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2v0 sin α। अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है जिसमें कि 2v0 sin α है, एक है वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा है वर्टिकली अपवर्ड। तो इसको अगर पता करना है तो इसको पता करने के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन था वो किधर था, नेगेटिव जे में, मतलब माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस या फिर डाउनवर्ड। ओके, इसलिए माइनस जे कैप। टाइम का कोई डायरेक्शन तो नहीं होगा, तो सिंपली जो यहाँ पर जी है इसके जगह पे आप लिखिए माइनस जे कैप, तो आंसर में भी आएगा माइनस जे कैप। तो ये आपको बता रहा है माइनस जे कैप का मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। आई होप आप ये मेथड समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।